हिंदी सिनेमा का खलनायक गब्बर सिंह सिनेमा के पर्दे तक पहुंचा कैसे, जानिए कहानी। फिल्म में जया वीरू, बसंती, सांभा और कालिया जैसे नामों ने खूब प्रसिद्धि पाई। वहीं फिल्म में गब्बर सिंह के कैरेक्टर ने अपने आप में इस फिल्म के जरिए एक इतिहास रचा। क्या आप जानते हैं अमजद खान द्वारा निभाए गए गब्बर कैरेक्टर के पीछे की कहानी क्या है? अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, संजीव कुमार, जया बच्चन और हेमा मालिनी स्टार है फिल्म शोले को कौन भूल सकता है। इस फिल्म के एक एक पात्र का डायलॉग बच्चा बजा जानता है। फिल्म में जया वीरू, बसंती, सांभा और कालिया जैसे नामों ने खूब प्रसिद्धि पाई। वहीं फिल्म में गब्बर सिंह के कैरेक्टर ने अपने आप में इस फिल्म के जरिए एक इतिहास रचा। क्या आप जानते हैं अमजद खान द्वारा निभाए गए गब्बर कैरेक्टर के पीछे की कहानी क्या है? 50 के दशक में मध्य प्रदेश के बीहड़ों में गब्बर उर्फ गबरा नाम का एक असली डाकू हुआ करता था। वह डाकू बहुत खतरनाक हुआ करता था। वहीं दूर दूर तक इस डाकू का आतंक बना हुआ था। इस डाकू के सिर पर पुलिस ने उस वक्त 50,000 रुपए का इनाम रखा हुआ था। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में इस डाकू को ढूंढा जा रहा था। कहा जाता है कि डाकू ने ऐसी कसम खाई थी कि वे अपने कुल देवी को खुश करने के लिए 116 लोगों की नाक काट कर उनके आगे भेंट चढ़ाएगा। उसे एक तांत्रिक ने कहा था कि अगर वे ऐसे करता है तो वे पुलिस की गोली का निशाना कभी नहीं बनेगा। उस वक्त तक वे 26 लोगों की नाक काट चुका था। इनमें कुछ ऐसे लोग भी थे जो वर्दी वाले थे। यह किस्सा एक किताब में दर्ज है कि प्रोस्तम की डायरी में इस कहानी का जिक्र है। वह 50 के दशक में मध्य प्रदेश के पुलिस महानिरीक्षक पद पर थे। रुस्तम को डायरी लिखना बहुत पसंद था, इसलिए वे मुख्य बातों को लिखते थे। वहीं आईपीएस अधिकारी पीवी राजगोपाल ने इस किस्से को किताब की शक्ल में उतार दिया। द ब्रिटिश, द बैंडिट्स एंड द बॉर्डरमैन किताब में इस किस्से का जिक्र है। फिल्म शोले का कैरेक्टर गब्बर इसी कहानी से प्रेरित है, हालांकि इस कैरेक्टर को असल कैरेक्टर से थोड़ा अलग बनाया गया। इस फिल्म के लेखक सलीम खान ने जहन में ये कैरेक्टर था, इसलिए उन्होंने इसे अपनी फिल्म की कहानी में जगह दी।